this record as frequently as possible. Guys, welcome and welcome back to my channel and this आरंभ बैच. आरंभ बैच में भी आपका स्वागत है. आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलेंगी. जैसे मैंने ये जो आरंभ बैच स्टार्ट किया है उसमें को हर एक सेमेस्टर के जितने भी बीसीए के सेमेस्टर हैं उस सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन. मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी भी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फ्री अवेलेबल होगा. बट इस वीडियो में हम आज सिक्स सेमेस्टर के ई कॉमर्स बुक को डिस्कस करेंगे. मतलब इस पूरे वीडियो में एंड तक आप जाते जाते हर एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे. ठीक है. और कुछ नहीं तो आपको इतना तो अपने आप पे भरोसा हो जाने वाला है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट पे पास आउट कर सकता हूँ वो भी अच्छे नंबरों से. ठीक है. तो ई कॉमर्स में हम जानेंगे बहुत सारी चीजें. उससे पहले आप मेरे आरंभ बैच को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना क्योंकि ये बैच ही आप लोग के लिए मैंने क्रिएट करा है ताकि मैं हर मतलब बीसीए के जितने भी सेमेस्टर हैं उन सारे के सब्जेक्ट वाइज को मैं क्लियर कर पाऊँ सारे सेमेस्टर्स के. ठीक है. तो ये आज फर्स्ट डे है जिसमें आपको आज ही अपलोड होगी ई कॉमर्स यानी बीसीएस 062 का और एमसीएस 022 का वीडियो अपलोड किया जाएगा. ठीक है. जिसमें आपको दोनों के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या एक्सप्लेन है, कैसे क्या सब्जेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है बुक की. अगर आपके सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% है कि आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे. ठीक है. सो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. उसके बाद हम अब बात जानते हैं कि ई कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना है. ई कॉमर्स बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी सब्जेक्ट है. लाइक आप ई कॉमर्स में पढ़ते हैं ई कॉमर्स कैसे किया जाता है. इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें तो सारे टॉपिक को क्लियर करना होता है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके चार पांच ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर आप कहूँ कि ट्रिक्स हैं टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती है एक अच्छा नंबर स्कोर करने में. जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम है ई कॉमर्स का 12 जून को जिसमें आपको हर सेकेंड सिटिंग है एग्जाम. और उसमें आपको मैं अगर ई कॉमर्स की बात करूँ तो ये 50 नंबर का सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको ई कॉमर्स जैसी चीजें होनी चाहिए. एग्जाम्पल मतलब लाइक किसी भी क्वेश्चंस को करते हो तो उसमें डिफिनेशंस होने चाहिए, आपके एग्जाम्पल्स क्लियर होने चाहिए विथ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस. मैं वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से करना है. तो वीडियो में बने रहे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज. आप लोग के लिए वीडियो मैंने आरंभ बैच शुरू किया है जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा फ्री है. आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ के कमेंट में भी कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर या फिर आपके लिए मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप में क्रिएट किया है जिसमें आपको आरंभ बैच है उस ग्रुप का नाम आरंभ बैच अर्पिता. तो उसमें भी आप ज्वाइन करके अपने सारे के सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. तो हमसे जुड़े और हमारे साथ हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर पाए. ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ना ई कॉमर्स से जो कि डेफिनेशंस ऑफ कॉमर्स है. ठीक है. इस वीडियो में हम देख रहे होंगे ई कॉमर्स यानी पार्ट वन. सिक्स सेमेस्टर में आपके दो सब्जेक्ट है इन थ्योरी. तो मैं आपके ई कॉमर्स से स्टार्ट करूँ. इसके सिक्स सेमेस्टर के दो पार्ट आएंगे आपके ई कॉमर्स और एमसीएस 22 ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है. ठीक है. और उसके प्रोग्रामिंग पे. तो फर्स्ट वीडियो है ये आपका सिक्स सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आरंभ बैच में हम आपको दिखाने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ई कॉमर्स फर्स्ट इस क्वेश्चन है कि स्टार्ट करते हूँ मैं ई कॉमर्स की. ई कॉमर्स के डेफिनेशंस बताएं. ठीक है. अ टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल और अ सेगमेंट ऑफ क्लियर बिजनेस मॉडल दैट इनेबल्स ऑफ फर्म और
इंडिविजुअल टू कंडक्ट बिजनेस ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड टाइपिकल इंटरनेट बेस्ड. ठीक है, ई कॉमर्स बिजनेस मीन्स आपको आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है. ठीक है, और जहाँ पे इंटरनेट बेस्ड आप बिजनेस कर सकते हैं. लाइक इसके कुछ सेगमेंट्स हैं, मेजर फोर सेगमेंट है, बी टू बी, लाइक बिजनेस टू बिजनेस. लाइक आप जैसे आप होलसेल से, अगर आप मतलब छोटा सा दुकान है आपका, अगर आप होलसेलर से कोई चीज को खरीद कर आते तो वो बिजनेस टू बिजनेस हुआ, है ना. और बिजनेस बी टू सी, लाइक बिजनेस टू कस्टमर. कस्टमर मतलब आप छोटे से दुकान में आप कोई चीज लेने जाते तो आप कस्टमर हुए, और वो जो चीज बेच रहा है वो बिजनेस हुआ, तो वो बिजनेस कर रहा है. ठीक है, सी टू सी यानी कस्टमर टू कस्टमर. काफी बार ऐसा होता है कि कस्टमर दुकान से सामान खरीद के लाता है, अगर उसको नहीं चाहिए होता है तो वो ही वो चीज दूसरे कस्टमर को बेच देता है, मे बी ज्यादा दाम लगा के या कम दाम लगा के, है ना, लेकिन बेच देता है. सी उसके बाद सी टू बी है कस्टमर टू बिजनेस. काफी बार ऐसा होता है कि किसान विसान के पास बहुत सारे अनाज हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो भी दुकान है उसमें एक बोरा जाके बेच दे, है ना, वो कॉस्ट कस्टमर टू बिजनेस का ये प्रोसेसिंग. ठीक है, बहुत इजी पेपर है इसमें, इसमें घबराने की बात ही नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इजी है, आप आसानी से कैरी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अब मैं बात करती हूँ स्कोप ऑफ ई कॉमर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल होंगे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट होंगे, एक बार उसको रीड आउट करने के बाद आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना. ठीक है, तो स्कोप ऑफ ई कॉमर्स में कहूँ तो मार्केटिंग, सेल्स एंड सेल्स प्रमोशंस हो सकते हैं, प्री सेल्स, सब कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई हो सकता है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो सकती है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन लाइक ऑर्डरिंग डिलीवरिंग पेमेंट, है ना, प्रोडक्ट सर्विस एंड मेंटेनेंस हो सकती है, कोऑपरेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कोऑपरेटिंग वर्किंग का, यूज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस हो सकता है, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हो सकता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो सकता है, विच इज डिजिटल गुड एंड लाइक गेम अर्निंग मटेरियल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक लाइक, ओके. उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती हैं. ठीक है, तो अब है डिफिनेशन ऑफ एम कॉमर्स. एम कॉमर्स होता है, आप इसको मतलब इसको इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है, लाइक पॉइंट बाई पॉइंट. Which is M commerce is also called a mobile commerce. मतलब मोबाइल से जो भी कॉमर्स बिजनेस किया जाता है उसे मोबाइल कॉमर्स कह सकते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग एनी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड यूजिंग मोबाइल डिवाइस, दैट्स कॉल्ड अ एम कॉमर्स, राइट. इन इट इज एडवांसमेंट ऑफ ई कॉमर्स इन इनवेलिंग पीपल टू बाई एंड सेल गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर simply using a mobile phone or tablet या फिर आप, ठीक है, लैपटॉप नहीं कह सकते. तो ये होता है एम कॉमर्स. इसके एम कॉमर्स के भी कुछ होप्स हैं, स्कोप्स हैं, उसको भी हम देखते हैं. स्कोप ऑफ एम कॉमर्स, फर्स्ट आपको मोबाइल बैंकिंग हो सकता है, मोबाइल एंटरटेनमेंट हो सकती है, मोबाइल इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विस हो सकता है, मोबाइल मार्केटिंग हो सकती है, मोबाइल शॉपिंग, टिकटिंग एंड टेलीमेटिक्स सर्विस हो सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस क्या होता है? एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज एन ई कॉमर्स साइट दैट कनेक्ट सेलर्स विद बायर्स. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस एक ऐसा ऑनलाइन कॉमर्स प्लेस है, ठीक है, जहाँ कनेक्ट होते हैं सेलर विद बायर. ठीक है, ये एक तरीके का मार्केट है जो कि ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मार्केट है. ठीक है, जहाँ पे कनेक्ट होते हैं सेलर और बायर, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला. ठीक है, इट्स ऑफन नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस. बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम पैनिक नहीं होना, सारा क्वेश्चन करना. ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन आर मैनेज्ड बाय द वेबसाइट ऑनर. जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी सेलर होता है या फिर बायर होता है, उसके ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो मैनेज्ड होते हैं ऑनर के, ऑनर ऑब्वियसली ऑनर के कारण, मतलब ऑनर मैनेज करता है. एंड देन कंपनी यूज ऑनलाइन मार्केट प्लेस टू रीच टू अ कस्टमर हु वांट टू परचेज देयर
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और कंपनी का क्या करना है ना कि रीच करता है, एक गूगल ऐड चला देना है या फिर कोई चीज चला के वो कंपनी का रीच कनेक्ट करता है, लाइक हु वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दैट्स वाई ये एक रीच होता है कंपनी के जो कि रीच करता है। अभी तक हम लोगों ने ई कॉमर्स देखा, एम कॉमर्स देखा, अब हम आई कॉमर्स देखें। लाइक आई इज व्हाट, आई इज द इंटरनेट कॉमर्स। इसको दो भागों में बांटा गया है, ट्रांसप्लांटेड रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल्स एंड नेटिव इंटरनेट बिजनेस मॉडल। ठीक है, रियल वर्ल्ड बिजनेस मॉडल में कुछ इस तरीके से आपको स्कोप है, लाइक मेल आप कर सकते हैं ऑर्डर मॉडल का, एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल हो सकता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकती है, फ्री ट्रायल मॉडल हो सकता है, डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल करी जा सकती है, रियल असिस्ट मॉडल किया जा सकता है, इंसेंटिव स्कीम मॉडल किया जा सकता है, बिजनेस टू बिजनेस किया जा सकता है। बट अगर हम नेटिव इंटरनेट की बात करें, यहाँ लाइब्रेरी मॉडल हो सकता है, फ्री फेयर मॉडल हो सकता है, इंफॉर्मेशन बाटर मॉडल हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल किए जा सकते हैं, डिजिटल डिलीवरी मॉडल किए जा सकते हैं, एक्सेस पोस्टपेशन हो सकती है मॉडल की, एंड बिजनेस वेबसाइट होस्टिंग एंड अदर इंटरनेट के सर्विसेज की जा सकती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं ना कि बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं टू ऑर्गेनाइजेशन, टू कस्टमर, टू सोसाइटी लार्जेस्ट, राइट। अगर मैं बात करूँ कि कॉमर्स, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके तीन भागों में बांटे गए हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, टू कस्टमर एंड टू सोसाइटी एज अ लार्ज। तो ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। लाइक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एज अ लोअर सेटअप या एनालाइजिंग प्रोडक्ट सेलिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि कस्टमर कैन एलोकेट प्रोडक्ट क्विकर, मोर मेजरेबल दैन अदर सेल अप्रोचेज, हाई मार्जिन विद बेटर कैश फ्लो। लाइक कस्टमर की मैं बात करूँ तो टू द कस्टमर अ वाइड रेंज प्रोडक्ट सर्विस एंड सिंप्लिसिटी एंड कम्फर्ट की जा सकते हैं। ई कॉमर्स सेव मनी कर सकता है, ई कॉमर्स से सेव मनी किया जा सकता है। ओके, मैंने ये दो दो बार लिख रखा, सॉरी, सेव टाइम भी कर सकता है। ई कॉमर्स में कस्टमर का क्या कर सकता है कि वाइड रेंज में प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कर देता है, सिंप्लिसिटी एंड कंफर्ट होती है ऑनलाइन सारी शॉपिंग करने में। उसके बाद आपको ई कॉमर्स क्या करता है, सेव मनी, मनी को भी सेव करता है, लाइक बहुत ज़्यादा सस्ते सस्ते सामान बिके जाते हैं ई कॉमर्स पे। बट अगर मैं कहूँ तो सेव टाइम भी कर सकता है, मतलब टाइम भी सेव करता है, आप एक ऐसे प्रोडक्ट देखते हो और वैसे बाई कर ले तो कम्फर्ट कम्फर्ट है ये। ठीक है, इट्स कम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इट्स प्रोवाइड कम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपको दुकान में जाओगे तो ज़्यादा दुकान इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट ये यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के डेफिनेशन डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं। बट टू इस सोसाइटी एट अ लार्ज विट प्रोवाइडिंग अ जॉब, अगर मैं इसमें कहूँ ई कॉमर्स प्रोवाइड जॉब कर सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, लेस पॉल्यूशन, ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर मैं बात करूँ, मतलब मैं बताऊँ, अगर सोसाइटी में अगर ये ई कॉमर्स जॉब भी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी, इंटरटेनमेंट हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ों को देख के, लेस पोल्यूशन, आप कहीं भी चीज़ों को खरीदने जाते हैं तो आजकल हमेशा सब कोई कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करता है, लाइक ऑटो ही हो गया, बाइक ही हो गया, कार ही हो गया, तो वो चीज़ लेस पोल्यूशन होती है ऑनलाइन शॉपिंग करने में, ऑनलाइन एजुकेशन हो जाती है, घर बैठे आप जिस भी हालत में होते हैं वैसे आप एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ पे आपको कंपल्सरी नहीं होती है कि आप ड्रेस पहन के आओ या फिर एन ऑल, है ना, आपको जब मन करता है तब आप अपने अकॉर्डिंग आप सारे एजुकेशन को ई लर्निंग कर सकते हैं, राइट। हेल्थ केयर हो जाती है आपके ना अवेलेबिलिटी ऑफ गुड। ठीक है, अब मैं बात करूँ ई विजिबिलिटी। ई विजिबिलिटी आपको क्या करती है ना कि इंक्रीजिंग ट्रैफिक कर सकती है, इजी यूआरएल कर सकता है, एडिंग आइकन्स एंड सोशल मीडिया नेटवर्क से एडवर्टाइजिंग कर सकता है, सोशल इम्पायरमेंट पर ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकता है। ठीक है, अब है ई शॉप्स। अब मैं कहूँ ई शॉप्स के बारे में आप क्या कहो, तो ई शॉप्स एक रेफरल टू एज अ वेबसाइट और विजुअल स्टोर कह सकते हो आप। इट्स अलाउ द कस्टमर एंड टू परचेज गुड्स फ्रॉम वेरियस सेलर यूजिंग इंटरनेट, एंड ई शॉप्स कैन बी एनी टाइप्स ऑफ, लाइक बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी,
एंड सी टू बी राइट एनीथिंग द एम ऑफ ई सॉप्स टू प्रोवाइड ग्लोबल रियलिटी मतलब 24 घंटे 24x7 hours आपको कम्फर्ट देता है कि आप जब चाहो अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेस कर सकते हैं ठीक है काफी आसान होने वाली है दुनिया पर जितना आसान है उतना सारा तकलीफ भी आती है उतनी बीमारी भी हो रही है द ई शॉप इंटरफेस हैज द फॉलोइंग फीचर्स लाइक प्रोडक्ट टी टेबल्स लाइक ना अब मैं कहूँ तो फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करूँ तो ये इजी ऑफ नेविगेशन हो जाता है शॉपिंग कार्ट्स मिलते हैं लॉग इन करना पड़ता है सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है डील्स होती हैं फ्री बीज होती हैं फ्री शॉपिंग शिपिंग्स होती हैं पेमेंट्स सिस्टम आइकन्स लिंक्स ऑफ सोशल मीडिया फोन नंबर ऑनलाइन चैट स्टोर फिंडर ट्रस्ट मेकर मेक्स है ना उसके बाद में बात करूँ तो ये डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज की मैं बात करूँ तो होम डिलीवरी की मैं बात करूँ The product, speed and address given by the customer. वो skipped हो जाती है अपने जो भी customer address दी हुई दी मतलब जो भी देते हैं. Second है कि contained delivery as a electronic delivery as a referral as a online distributor they deliver media content like audio, video, game, downloadable ads, ones on other products. Drop shipping. Third है dropshipping it is way to in which the retailer transfer the customer order and shipping details to the other manufacturer distributor or wholesaler who then they deliver the product directly to the customer okay collect your own printing out ye sari cheeze bahut zyada easy kar deti hai hamare life ko which is heavy why we have a e-commerce okay नेक्स्ट है ऑनलाइन पेमेंट इसके स्ट्रक्चर पे को नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर ऑनलाइन पेमेंट के लिए मैं इसको समझा देती हूँ टाइप ऑफ ईपीएस ओके लाइक ई कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैश ईएफटी ई वॉलेट स्मार्ट कार्ड पेपाल है ना तो ये सारी पेमेंट करने की सुविधा है जो कि आप जिस चीज़ से कर सकते ठीक है PayPal means जीपे हो गया पेटीएम हो गया ये सारी चीज स्मार्ट कार्ड काफी सारे स्मार्ट कार्ड हैं ई वॉलेट होता है हर एक शॉपिंग कार्ड पे जैसे Amazon का ई वॉलेट हो गया Flipkart का ई वॉलेट हो गया जो भी है वो उसका वॉलेट होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप ऑलरेडी जानते हैं ठीक है अब क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर लूँ आप नहीं जानते फिर तो क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज क्या है कि ये शेप है मतलब सेफ है इंटरेस्ट फ्री है आपको इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह पेड नहीं करना होता है पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग है इसकी आप अगर इसके रिव्यू पे जाके देखो तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग है इसकी मीट एमरजेंसीज है रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं बट इसके हर एक एक चीज़ के एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेज भी अवेलेबल होती है लाइक इसमें फ्रॉड हो जाता है हाई इंटरेस्ट हो जाती है कभी कभी क्रेडिट डैमेज हो जाता है ओवर स्पीडिंग होने लगती है फीस एंड चार्जेस लगने लगते हैं ठीक है स्मार्ट कार्ड और स्टोर वैल्यू कार्ड की मैं बात करूँ तो इसके भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं और इसके भी डिसएडवांटेजेस पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि लार्जर मेमोरी होती है हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है रिड्यूस फ्रॉड होती है फ्रॉड की कम चांसेस होती हैं इसमें एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होता है रिलायबिलिटी होती है अपमेजमेंट होता है आप इसको देख लेना एक बार ठीक है नेक्स्ट देखो वैसे ईएफटी का भी है ईएफटी इज द डेट अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ट्रांसफर टू मनी इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ओके इसके भी डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस हैं अब मैं बात करूँ इसके पेपाल के लिए भी इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाइक ट्रस्टेड नेम होता है इजी एग्जीक्यूशन होता है फ्री एग्जीक्यूट होता है बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लॉक्ड हो जाता है अकाउंट लाइक हम लोग अपने पासवर्ड डाल के वो चीज़ को भूल जाते हैं है ना नो साइड एब्स्ट्रैक्शन होती है इसके जितने कम डिसएडवांटेजेस हैं पर ठीक है ये सेफ माना भी जाता है नेक्स्ट ओके सो अब आफ्टर सेल सर्विस है ठीक है इस टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा देखा गया है अभी मैंने जो ऊपर आपको बताया
टू ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर एंड टू सोसाइटी सर्विस वाला, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत नोट आउट नोट डाउन कर लें एंड उसको देख लें। आफ्टर सेल सर्विस में आपको वन नंबर मैं कहूँ तो मेक डिलीवरी प्रोड्यूसर इजी हो जाती है, सेंड डिलीवरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है विद द हेल्प विद ओटीपी, लॉयल्टी काउंट्स होते हैं एंड कुछ फीडबैक्स होते हैं इस सारे प्रोडक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है ई कॉमर्स की सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन हो जा होता है और ऑथेंटिकेशन होते हैं एंड कॉन्फिडेंटली होती है, इंटेग्रिटी होती है, नॉन रिपोडक्शन होता है, एक्सेस कंट्रोल होती है एंड इसके इसके पास कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट होती है, जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया, सर्वर सर्टिफिकेट हो गया, पर्सनल सर्टिफिकेट्स हो गया, पब्लिशर सर्टिफिकेट हो गया एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीजें इजी कर देती हैं। ठीक है, SSL जो है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट आउट कर लेना। ठीक है, ETI भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ETI, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ADI, मतलब ये भी बहुत ज्यादा इजी है, देख लेते हैं इसको। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक याद करते हैं ना, और डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस से आपका हर एक चीज क्लियर हो जाता है। आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज को नोट डाउन करके आप एक डिफिनेशन रेडी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रीफली, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, उसके बाद ये आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज को तो ऑलरेडी लिख लेते हैं। तो एक टॉपिक में कुछ ऐसा चीज होता है जो कि आप एक चीज याद करो तो आपके सारे आंसर्स निकल के आ जाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। उसके बाद है आर्किटेक्चर है, एप्लीकेशन लेयर, फॉर्मल लेयर, डेटा ट्रांसफर लेयर, डेटा कनेक्शन लेयर। बेनिफिट्स है इसके और ID UDI के, एप्लीकेशन ऑफ UDI है, तो ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि क्रेडिट डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड हो सकता है आपका, क्रेडिट डेबिट अकाउंट, ई मनी हो सकती है ना, तो इसके लिए फिर कोई है ही नहीं। ओके, इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स, व्हेन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन देन इट्स टर्म्ड एज अ इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स। ठीक है, बट वही मैं कहूँ कि व्हेन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन देन इट्स टर्म इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स की मैं बात करूँ तो इट्स डजंट हैव इंस्टॉल मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन बट इन ट्रांजेक्शन, बट इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट्स टर्म एज अ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। उसके बाद मॉडल ऑफ ई कॉमर्स मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया, ये सारे सेक्शन है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं PDF ऑलरेडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ये PDF आप 67 पेज नंबर का है, अगर आप ये PDF एक बार रीड कर लेते हो तो आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हमेशा के लिए बन जाएंगे, आप या अभी एग्जाम दे रहे हो या फिर 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इंटरनेट बुक शॉप, अगर मैं इंटरनेट पे बुक शॉप्स की बात करूँ तो उसके भी कुछ शिपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, लाइक शिपिंग प्रोडक्ट्स मतलब हाउ टू ऑर्डर, हाउ टू बिकम अ मेंबर, हाउ टू चेक आउट। ओके, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये जो आपका ग्लोसरी सप्लायर्स हैं इसके। ठीक है, अब इसके बाद ग्लोसरी सप्लायर्स हैं उसको भी आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद सॉफ्टवेयर सप्लाई सपोर्ट है, इसके भी शिपिंग डिटेल्स हैं एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, अगर आप यू कॉमर्स एग्जाम दे रहे हैं तो हर एक एक टॉपिक के शिपिंग डिटेल्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को जरूर देख लें। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है कि आप इंटरनेट पे जो भी न्यूज़पेपर्स देखते हैं उसके भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, आपको दो तीन चीज आपको हमेशा
कॉमन मिलेगी एडवांटेजेस में कि एक्सेसिबल 24x7 आवर्स है, ठीक है। उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं, कभी भी मतलब पढ़ सकते हैं उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से। यही सारी चीजें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन नोटिफिकेशन, तब स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑनलाइन और ये बहुत ज्यादा इजी होगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम क्या, जहाँ पे हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं, पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है, इम्प्रूव इन मार्केटिंग ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीजें हैं। वो आप यहाँ से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसको रीड कर लेना वीडियो को रुक के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी कंसर्न इन ई कॉमर्स। ये है सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ अ क्लाइंट फॉर अ कम्युनिकेशन चैनल एंड फॉर अ द सर्वर। तो एक्टिव कंटेंट हो सकता है, मेल क्यूरियस कोड हो सकती है, उसके बाद मस्क्यूरेटिंग हो जाती है ना। तो ये सारी चीजों को आप जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद अदर इश्यूज इन कॉमर्स के बारे में हम बात करते हैं। बाकी जो ई कॉमर्स के इश्यूज हैं, लाइक ई कॉमर्स सिक्योरिटी हैज अ फॉलोइंग मेन अपसेंस, लाइक प्राइवेसी कंप्लेंट, जहाँ पे आपको प्राइवेसी हो सकती है, प्राइवेसी में प्रॉब्लम, इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम, एविलिटी में प्रॉब्लम, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपीटेशन में प्रॉब्लम। ये ऑलरेडी मैंने अभी बता रखा है, तो वो चेक आप ऊपर पढ़ ही लियो। और सिक्योरिटी सर्किट लेयर भी आपको मैंने बता दिया है, सिक्योरिटी सर्किट लेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो भी। उसके बाद हैंडशेक वाली प्रॉब्लम जो है वो हमेशा पूछी जाती है। तो ये है आपके एसएसएल क्लाइंट और वेब ब्राउजर के बीच जो होती हैं, लाइक क्लाइंट एज अ हेलो मैसेज करता है, तो फिर सर्वर हेलो लेता है। तो जो भी क्लाइंट के पास होता है वो प्रॉब्लम, वो आइडेंटिफिकेशन करता है। फिर उसके बाद कॉपी एसएसएल सर्टिफिकेट इस तरीके से होती है, ठीक है। उसका डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में हम बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स एंड फायरवॉल्स कैसे की जाती है। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज टू वैलिड द ऑथेंटिकेशन दैट एंड इंटीग्रिटी द और मैसेज सॉफ्टवेयर और द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। मतलब एक डिजिटल सिग्नेचर ही क्या है ना, कि आप अगर आप सिग्नेचर करते हैं, उसका स्कैन करते हैं और उसको क्लिक करके अपने फॉर्म में या फिर कहीं पे भी डाल लेते हैं, वही चीज है। मैं बहुत बार फॉर्म एडमिशन के टाइम ये चीज करी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फायरवॉल कैसे वर्क करता है इन सिग्नेचर लाइक दैट। तो ये ना आप इमेज भी बनाते जाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है, जो भी जितना हो सके। टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, पॉकेट फिल्टर फायरवॉल्स होता है, स्टेटफुल स्पेसिफिकेशंस होते हैं फायरवॉल्स की, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल्स होता है, एंड एप्लीकेशन लेवल होता है फायरवॉल का, ठीक है। उसके बाद मशीनिज्म यूज्ड बाय फायरवॉल, ये भी आप देख लेना। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू आईटी एक्ट 2000, ठीक है, ये चीज है, वो भी आप आसानी से देख लें। कुछ आईटी महसूस होते हैं जो भी एक डिफॉल्ट होता है वो भी। तो साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। साइबर क्राइम एज अ रेफर टू एनी एक्ट एज अ कॉजिंग अ फाइनेंशियल इमोशनल फिजिकली डिस्ट्रैक्ट टू एनी अदर पार्टी विद यूज अ कंप्यूटर और साइबर मीडिया। साइबर क्राइम क्या होता है ना, कि अगर कोई भी इंसान रेफरल कॉजिंग यानी किसी भी कॉज में फाइनेंशियली इमोशनली साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस करता है टू अदर, मतलब कोई भी अदर इंसान को, बाय यूजिंग व्हाट, कंप्यूटर और साइबर मीडियम, दैट्स इट मीन कि आप साइबर क्राइम कर रहे हैं। इट्स इंक्लूडिंग हैकिंग, स्पैम, पोर्नोग्राफी, ठीक है, एक्सेट्रा। साइबर क्राइम्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग बेसिस: अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट गवर्नमेंट कॉर्पोरेटिव एंटिटीज, अगेंस्ट सोसाइटी एज अ लार्ज, ठीक है। उसके बाद ये ऑफन और पेनाल्टीज हैं जो कि यूज होते हैं साइबर के ऊपर, जब अगर आप कोई चीज करें तो। टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 65 के तहत आपको 3 साल की सजा हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर आपको दोनों हो सकता है, ठीक है। हैकिंग दैट कंप्यूटर सिस्टम सेक्शन 66 के तहत आपको 3 साल की जेल हो सकती है, ठीक है।
फाइन फाइन आपको 5 लाख रुपए का लग सकता है, या फिर आपको ये दोनों चीज लग सकती है ज्यादा कर, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग ऑफ ऑब्सेसिव और फॉल्स मैसेजेस थ्रू द कम्युनिकेशन सर्वर, अब किसी के अकाउंट को हैक करने के बाद आप अगर उसके अकाउंट से किसी को भी फॉल्स मैसेजेस या फिर कम्युनिकेशन हैकिंग करते हैं, या फिर आप उसके नाम से कोई पैसे मांगते हैं किसी और से, तो दैट्स अ साइबर स्टैकिंग विच इज सेक्शन 66A के तहत आपको इंफॉर्मेशनल 3 साल की सजा हो सकती है विद फाइन। फाइन डिक्लेयर नहीं है कितना है, बट विद फाइन। उसके बाद डिसऑनेस्टी रिसीव स्टॉलन कंप्यूटर रिसोर्स कम्युनिकेशन डिवाइस 66B के तहत 3 साल की जेल और फाइन, अब मतलब 1 लाख का फाइन हो सकता है या फिर दोनों की जा सकती है। तो ये चीज साइबर क्राइम की ऑफेंस और पेनल्टी भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 5-6 थी जो मेरे पास जो इम्पोर्टेंट थी इन प्रीवियस वीडियो, वो मैंने किया। उसके बाद साइबर लॉ क्या है वो आप देख लो, इंडियन पैनल के कोड है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूँ तो उसके बाद हाँ एक बेनिफिट्स बात उस ऑफ अपने ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये भी है, उसके बाद आप प्लीज एम कॉमर्स का फ्रेमवर्क को भी देख लें, ठीक है। उसके बाद एम कॉमर्स के एप्लीकेशन फ्लो को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, पीडीएफ ऑलरेडी हमें गिवन है। इमर्जिंग ट्रेंडिंग एम कॉमर्स के एम वॉलेट, नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC, मोबाइल कूपन्स, मोबाइल शॉपिंग, इन स्टोर पर्सनलाइजेशन, सोशल कॉमर्स लाइक दैट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।